हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज शिवानी झा टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन अर्दन डैम्स ग्रेविटी डैम्स एंड बैराजेस सो वी ब्रीफली डिस्कस अबाउट दीज थ्री एंड आल्सो टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड देयर यूजेस सो सी जो डैम होते हैं वो जो एक्सेसिव वाटर फ्लो होता है उसको रोकते हैं एंड एट मैनी प्लेसेस डैम्स को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी यूज़ करते हैं तो क्या होता है ग्रेविटी इम्बैंकमेंट और बैर जैसे इसके हम देख लेते हैं पहले ग्रेविटी हमारा ग्रेविटी डैम होता क्या है ग्रेविटी डैम हमारा होता है इट इज़ अ सॉलिड स्ट्रक्चर जो कि बना होता है कंक्रीट या मैसनरी से ये हाईली रिकमेंडेड होते हैं एंड हाईली यूज होते डैम हाईली यूज डैम होते हैं जो ये ग्रेविटी डैम होते हैं नॉ इम्बेंकमेंट क्या होता है एम्बेंकमेंट को हम अर्धन डैम्स भी कहते हैं और क्या के कहते हैं ये दीज टाइप्स ऑफ डैम्स जो हैं ये बिल्ट बिल्ट अप होते हैं रॉक्स फिल से या सॉइल से अगर हमारा वाटर फ्लो जो है वो अगर सॉइल की हेल्प से रोका जा रहा है तो उसको हम सॉइल अर्दन डैम्स कह देते हैं एंड अगर वो फ्लो रॉक फिल के थ्रू रोका जा रहा है मीन्स बड़े बड़े रॉक्स लगा कर उनको रोका जा रहा है तो उसको हम रॉक फिल एम्बैंकमेंट कहते हैं सो एंड दिस टाइप्स ऑफ डैम्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन रिजिड डैम्स और बैराजेस क्या होता है बैराजेस जो हैं वो डैम से थोड़ा डिफरेंट होते हैं जो बैराजेस हैं वो डाइवर्जन वर्क का काम करते हैं मीन्स बैराज बनाने का मेन एम या मेन पर्पस ये होता है कि वो आ, डाइवर्ट करें फ्लो ऑफ वाटर को टू डाइवर्ट द फ्लो ऑफ वाटर नाउ वी फर्स्टली डिस्कस अबाउट एम्बैंकमेंट डैम्स इसमें क्या होता है जैसे कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं स्क्रीन पे जो हॉरिजॉन्टल वाटर होता है ना हॉरिजोटल फ्लो ऑफ वाटर है ये हमारा वर्टिकल चेंज हो जाता है मीन्स जो भी हमारे वर्टिकल फ्लो ऑफ वाटर आ रहा है इस इट्स चेंज इन टू वर्टिकल फ्लो ऑफ वाटर ना ग्रेविटी डैम्स में क्या होता है ग्रेविटी डैम का इंडिया में एक बेस्ट एग्जाम्पल है भाकरा नांगल डैम जो कि हमारा पंजाब में है और वर्ल्ड वर्ल्ड में जो है वो है ग्रैंड डाइक्सेंस डैम इसकी हाइट है हमारी 285 मीटर ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट हाइट है इस डैम की तो क्या होता है इसमें जो फ्लो ऑफ वाटर है वो टोटली totally वर्टिकल होता है इसमें क्या होता है जब जैसे कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं कि स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड में एक रिज़र्व है रिजर्व बना हुआ है तो क्या होता है जब ये अगर रिजर्व फुल हो जाएगा तब ये ओवरफ्लो करेगा उस टाइम पे जो ये ग्रेविटी डैम जो है उसके थ्रू इनको वर्टिकली फ्लो हो ये वर्टिकली फ्लो होता है इस जो वाटर होता है नाउ बैराजिस में क्या होते हैं एज वी नो बैराजिस जो है वो डाइवर्जन ऑफ हेडवर्क का काम करते हैं इसमें क्या होता है कि गेट्स प्रोवाइड की जाती हैं जब एक्सेसिव वाटर रिलीज करना होता है तब इन गेट्स को ओपन कर दिया जाता है जिससे जो फ्लो ऑफ वाटर है वो डाइवर्ट हो जाए जिस भी डायरेक्शन में हमें डाइवर्ट कराना हो ये ज़्यादातर किसी रिवर वगैरह पे ज़्यादा बनाई जाती है नदियों वदियों पे जैसे कि बाढ़ आ जाती है कहीं पे या कुछ तो वहाँ के बैरेजेस के गेट खोल दिए जाते हैं ताकि मतलब जो पानी है वो थोड़ा आगे चला जाए उसको हम थोड़ा डाइवर्ट कर दें I hope you like this video. Please do like, subscribe and share this channel.